हाय बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो मोलारिटी है। मोलारिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशली कंसंट्रेशन टर्म, उसमें हम लोग मोलारिटी देखेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज देखेंगे और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर नेक्स्ट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और स्पेशली मोलैरिटी और उसका टाइप ऑफ सवाल करने वाले हैं, ठीक है? ओके, मतलब जितने भी टाइप के सवाल बनते हो मेंस में, आईआईटी में, हम लोग सारा कवर करेंगे आज का टॉपिक में, स्पेशली बोर्ड के लिए भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लोग मोलैरिटी देखते हैं आज की। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी 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 डिफाइंड इज मोलैरिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी सॉल्वेंट, पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, ध्यान रखना। तो मोलैरिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। ओके, ध्यान दो सिंपली। तो मोलैरिटी इक्वल टू, हमने क्या देखा? मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, मान लो 3 मोल एनएसीएल डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 3। अगर मान लो 4 डिजॉल्व है तो 4 हो जाएगा। मान लो 4 मोल एचसीएल डिजॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन, 4 मोल एचसीएल डिजॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में कितना डिजॉल्व होगा? 2। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 2। ओके, ध्यान दो, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करो और वॉल्यूम इन लीटर ए से डिनोट करो। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। यहां से एक और फॉर्मूला आया था मोल का, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो एन इक्वल टू एम इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये भी क्या आ गया? ये नंबर ऑफ मोल आ गया। तो यहां से हम लोग देखिए कि नंबर ऑफ मोल मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? ध्यान दो बच्चे, मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? तो ऊपर क्या है? मोल, और नीचे क्या है? लीटर। तो मोल लीटर हो गया, ये हो गया यूनिट। छोटा सवाल बन सकता है, हम लोग जानते हैं कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब यह वो कैसे है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे है? ध्यान दो, अगर मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी इक्वल टू एन बाय वॉल्यूम इन लीटर है, तो वॉल्यूम इनवर्सली, ध्यान दो इधर, अब यार यहां से बोल सकते हैं कि एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी क्या होगा? घटेगा। और हम लोग चार्ल्स लॉ से भी जानते हैं कि जो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, अब मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। और यार ये ध्यान दो, 1 बाय टेम्परेचर आ गया। ओके, अब ये प्रोपोर्शनल है तो यहां 1 बाय T आ गया। अब यार इनफाइनली क्या हो गया? मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी क्या होगा? घटेगा। चमका, सिंपल सा सवाल है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मोलैरिटी के बारे में आ गया इंफॉर्मेशन। ओके, तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी सिंपल है यार, ऐसे डिफाइन करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। चलो इस पे हम लोग सवाल बना रहे कुछ आगे।
नेक्स्ट आसान आसान सवाल बनाएंगे पहले हम लोग छोटा छोटा। देखो हम लोग सवाल देखते हैं, 73 ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? HCl डिजॉल्विंग 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ HCl। तो मोल पहले HCl का मोल निकालो, HCl का मोल क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय, यार कितना है 73 ग्राम है बाय 36.5, कितना आ गया 2 मोल आ गया। ओके वॉल्यूम इन लीटर बदल लो, 2000 ml इक्वल टू मतलब क्या हमें पता है, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर, तो 2 लीटर हो गया। तो मोलैरिटी ऑफ HCl क्या आ गया, W बाय N बाय N बाय वॉल्यूम इन लीटर, N कितना है 2/2, यार आंसर 1 मोल पर लीटर, गुड। नेक्स्ट टाइप का हम लोग थोड़ा सवाल देखते हैं, कभी कभी फॉर्मूला जो मोलैरिटी का होता है ना, नया फॉर्मूला भी दिया रहता है कुछ अलग। मान लो मोलैरिटी का एक नया फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, तुम्हें कभी कभी वेट दे दिया है, तो वेट दे दिया है तो वेट को क्या करो, वेट से मोल कैसे निकालोगे, मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, और वॉल्यूम दिया हुआ एमएल में, वॉल्यूम किसमें दिया हुआ बच्चा, एमएल में, एमएल में दिया हुआ, तो वॉल्यूम इन लीटर क्या करोगे, वॉल्यूम इन एमएल बाय 1000 आ जाएगा। देखो यार थोड़ा थ्योरी देख लेते, ठीक है ना, ये मोल हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, यहां से मोलैरिटी का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो तुम्हें यूज ज्यादा नहीं करना है, हम लोग जानते हैं एन बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है, और ये डब्ल्यू बाय एम दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इन एमएल बाय 1000। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें आ जाता है डब्ल्यू इंटू 1000 बाय एम इंटू वॉल्यूम इन एमएल, ये भी एक मोलैरिटी का ही फॉर्मूला है, बस यहां ध्यान रखना डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड, एम क्या है, मोलर मास, एम तुम्हारा मोलर मास हो गया, और ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, सॉल्यूशन इन एमएल, इन एमएल है, समझ में आया ना। ओके चल साहब, नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का सवाल हम लोग कैसे पूछ सकता है। मान लो तुमको ध्यान दो, कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका मोलैरिटी तुमको पता है, जिसका मोलैरिटी m है, और वॉल्यूम उसका कितना है, वॉल्यूम उसका भी है, कितना है भी है, मान लो यार उसका मोलैरिटी m है, वॉल्यूम क्या है भी है, इसको डायल्यूट कर दिया, आफ्टर डायल्यूशन उसमें पानी मिला दिया, डायल्यूशन, डायल्यूशन के बाद क्या हो गया, उसका मोलैरिटी 2 हो गया, कुछ हो गया वही पूछा है, पहले मोलैरिटी 1 था, वॉल्यूम क्या था, डायल्यूट करने के बाद इसका नेट वॉल्यूम क्या हो गया, मान लो इसका नेट वॉल्यूम V2 हो गया, क्या हो गया V2। एक सिंपल सा सवाल है यार, ठीक है ना, ध्यान सुनो, तो मान लो मैंने डायल्यूट किया बट मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज थोड़े हुआ, मैंने पानी मान मिलाया, तो जो इसमें पहले से मोल ऑफ सॉल्यूट था वो मोल ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स रहेगा, कुछ भी होगा HCl या कुछ भी हो उसका मोल तो फिक्स रहेगा, क्योंकि मैंने डायल्यूट किया, डायल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, उसके बाद उसका कंसेंट्रेशन क्या हुआ, घट गया हुआ, क्यों, ड्यू टू डायल्यूशन वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान दो, इसका पहले का मोल निकाल लेते हैं, मोल, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता है, इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो पहले मोल कितना था, M1V1। अब यार मोल ऑफ ये क्या है, ये मोल किसका है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट, ये कभी चेंज हुआ क्या, यार डायल्यूट करने से मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज ही नहीं हो सकता है, जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वो चेंज नहीं होगा डायल्यूट करने से, वो कैसे चेंज होगा, यार हमने पानी मिलाया बट जो मोल होगा सॉल्यूट का वो तो फिक्स रहेगा। ओके तो जो यही जो मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे वही मोल सॉल्यूट यहाँ कितना है, एन है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहां भी क्या होगा एन, यहां भी एन इक्वल टू क्या आ गया M2 और V2, दोनों इक्वेशन 1 और 2 का इक्वल कर दिए, तो क्या बन गया 1 और 2 का इक्वल करने से, 1, 2 को जब इक्वेट किए तो M1V1 इक्वल टू M2V2 आ गया, यहां से हम लोग मोलैरिटी निकाल देंगे फिर से M1V2, और ऐसे ही प्रोडक्ट क्या है, मोल है, और ये फाइनल वॉल्यूम है, टोटल फाइनल वॉल्यूम, तो मोलैरिटी वही होता है मोल में वॉल्यूम इन लीटर। चलो इस पे सवाल बनाते हैं, ध्यान दे जाओ, मान लो 3 mm of HCl, 3 mm of HCl 1500 ml दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1500 ml,
ओके। अब इसमें ध्यान दो, इसमें ना मैं इसमें 1500 ml और डायल्यूशन मिला, डायल्यूशन हो गया, डायल्यूशन कर दिए, ml वाटर मिला दिया, H2 डाल दिया, तो जो नया सॉल्यूशन बना उसका मोलैरिटी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा सवाल समझाया। 3 MLCl लिए 1500 ml, उसे 1500 ml पानी मिला दिए, तो नया सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, तो उसका मोलैरिटी कैसे निकालेंगे समझो, पहले ये सॉल्यूशन से यहां HCl का मोल निकाल लेंगे, तो मोल ऑफ HCl कितना था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी कितना दिया बच्चा 3, और वॉल्यूम कितना है 1500 ml, मतलब लीटर में तो 1.5, ये आ गया तेरा 4.5 आ गया तुम्हारा मोल किसका, HCl का। अब 4.5 मोल HCl आ गया, वही है फाइनल, ध्यान दो, तो यहां से मोलैरिटी, मोलैरिटी अब क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ HCl बाय वॉल्यूम इन लीटर, यार मोल ऑफ HCl तो 4.5 है बट वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया 1500 ml और 1500 ml बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 1.5 मोल पर लीटर, आंसर मोलैरिटी हो गया, ये वॉल्यूम इन लीटर यार 1500 300 हो गया, जिसका जो फाइनल वॉल्यूम V2 है किसके बराबर है 3 लीटर के बराबर हो गया, पहले था ना 1500। ओके चल छाप, नेक्स्ट टाइप का थी, ध्यान दो नेक्स्ट टाइप, टाइप वन, मान लो दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन ध्यान दो, सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू, दो सॉल्यूशन है बच्चे हमारे पास, एक का मोलैरिटी एम वन है और एक का मोलैरिटी एम टू है, दो सॉल्यूशन है, एक का मोलैरिटी एम वन और एक का मोलैरिटी एम टू है, दोनों को हम, इसका वॉल्यूम बी वन है, इसका वॉल्यूम बी टू है, ठीक है ना, यहां पर मेंशन है कि सेम टाइप का सॉल्यूट है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का टाइप सेम है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का टाइप सेम है। अब यार सिंपल है, ध्यान दो कुछ नहीं करना है, जब हम दोनों मिक्स कर देंगे, जो तो दोनों मिक्स कर देंगे और एक कंटेनर में आके दोनों मिक्स करने के बाद, तो यहां पर मोलैरिटी क्या हो गया हुआ एम हुआ हुआ, और वॉल्यूम नेट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी नेट, क्या हो जाएगा वी नेट, तो फिक्स है नेट क्या हो गया वी वन प्लस वी टू हो जाएगा, ये बात फिक्स है, तो ये एम निकालना, एम कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए सिंपल है यार, एम रिजल्टेंट, एम रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो, नेट मोल टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर है, ओके। अब यार इससे मोल कितना आएगा, जो सवाल बनाने का तरीका, पहले वाले से मोल कितना आया सॉल्यूट का एम वन बी वन, दूसरा से मोल कितना आया एम टू बी टू, तो एम वन प्लस एम टू मिला के कितना मोल हो गया एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर टोटल मोल एम वन प्लस एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू आ गया कोई दिक्कत नहीं है, और वॉल्यूम कितना आ गया वॉल्यूम इक्वल टू बी वन प्लस बी टू आ गया, ओके ये टोटल वॉल्यूम आ गया टोटल मोल आ गया, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी सिंपली हो गया यार, टोटल मोल एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू बाय बी वन प्लस बी टू एक फॉर्मूला बन गया, ओके ध्यान दो इधर, एक छोटा सा सवाल इस पे बनाते हैं, मान लो 3 MHCl 500 ml दे दिया प्लस 4 MHCl 500 ml दे दिया, अब हमें इसको बोला मिक्स करने के बाद जो बनेगा उसका मोलैरिटी बताइए, उसका क्वेश्चन मार्क, उसका मोलैरिटी क्या होगा, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है यार, आप सिंपली ध्यान दिए क्या लगाइएगा एम वन बी वन प्लस
एम टू वी टू इस टाइप के लिए सवाल के लिए बाय वी वन प्लस वी टू, तो एम वन कितना है इसका थ्री, वी वन 0.5 और 500 ml प्लस एम टू 4 और ये 0.5 बाय वी वन वी टू मतलब 0.5 प्लस 0.5 क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो यार आ गया 3.5 मोल पर लीटर क्षमता, समझ में आया ना। चलिए छापिए, मॉलरिटी के अलावा नेक्स्ट टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में आते हैं, मान लो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ये 196 ग्राम H2SO4 दे दिया हमें, ठीक है, डिजॉल्व इन 1000 ml ml सॉल्यूशन में दे दिया बच्चा, ठीक है। हमें सवाल पूछा है सिंपली मोलारिटी, हमें पूछा है मोलारिटी ऑफ H प्लस, क्या पूछा है मोलारिटी ऑफ H प्लस क्वेश्चन में। अब यार ये सवाल कैसे बनेगा, थोड़ा ट्राई कर लो, वीडियो को रोको ट्राई करो आराम से, चलने में ना इधर ध्यान दो। यार हमें मोलारिटी निकालना है H प्लस का दिया हुआ H2SO4, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चा, ये टूट जाएगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा आपका, इसमें टूट जाएगा। अब यार पहले इसका मोल निकाल लीजिए H2SO4 का, तो मोल ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय मोलर मास, तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है 196 ग्राम बाय मोलर मास H2SO4 98, क्या आ गया 2 मोल आ गया बॉस। जब ये 2 मोल है तो ये यार 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 2 से कितना बनेगा 4 मोल बनेगा, ये कितना बनेगा 2 बनेगा। तो यहां पे मोलारिटी ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, मोलारिटी ऑफ H प्लस इक्वल टू मोल ऑफ H प्लस बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब यार मोल क्या दिख रहा है तुमको, H प्लस का 4 दिख रहा है, 4 कैसे आया, अरे यार एक ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल से 2H प्लस निकल रहा है, तो एक दर्जन से 2 दर्जन आएगा, एक मोल से 2 मोल आएगा, तो 2 मोल से 4 मोल H प्लस हमें मिलेगा। सर क्यों मिलेगा, यानी 100% क्या है डिसोसिएट कर जाएगा, क्यों डिसोसिएट कर जाएगा, यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, ये हमेशा डिसोसिएट कर जाएगा पानी में जाके, तो H प्लस हमें मिल जाएगा, तो पानी में हमें क्या मिल रहा है H प्लस का मोल मिल रहा है, कितना मिला 4 मोल मिला, क्यों मिला ये 2 से 4 बना, क्यों 4 बना क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 4 बाय वॉल्यूम इन लीटर 1000 ml मतलब 1 लीटर, आंसर 4 मोल पर लीटर। चलिए और बोनस में कर लेते हैं, अगर यहीं पे पूछ देता मोलारिटी ऑफ SO4 2 माइनस, तो हम क्या करते हैं मोल ऑफ SO4 2 माइनस लेते और वॉल्यूम इन लीटर लेते, क्या है मोलारिटी SO4 2 माइनस का, कितना है मोलारिटी यार इसका, देखो तो 2 मोल दिया हुआ है, 2 का वॉल्यूम 1 ही रहेगा, तो 2 मोल पर लीटर आ गया ना बॉस। चल छाप, थ्री एम एच सी एल 1500 ml प्लस 2 एम एच सी एल 500 ml और इसको मिक्स करने के बाद में पूछा है मोलारिटी क्या होगा, वैसे मार्क कैसे, सिंपल सवाल है ट्राई करो, पहले भी बनाए इस टाइप का सवाल हम लोग, तो यहां पे बनाने का सिंपल तरीका क्या है, मोलारिटी इक्वल टू क्या करोगे, फिर से दो टाइप का है ना, तो एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू बाय बी वन प्लस बी टू, एम वन कितना बच्चा 3, बी वन कितना है बी वन वॉल्यूम इन लीटर 1500 ml मतलब 1.5 प्लस 2 इन 0.5 क्यों 500 ml बाय 1.5 और ये क्या आ गया, ये आ गया 4.5 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 5.5 बाय 2
2.75 मोल पर लीटर। चमका। चल नेक्स्ट सवाल में यार थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। 3 MHCl दिया हुआ है बॉस और 1500 ml तो दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमें 2 mHBr दे दिया, HBr दे दिया और 500 ml दे दिया बॉस, ठीक है। और हमें पूछा है मोलैरिटी ऑफ H प्लस पूछा है, मोलैरिटी ऑफ H प्लस, घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ध्यान दो। इस हमें क्या पूछा है मोलैरिटी ऑफ H प्लस, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं, आसान सवाल है बॉस, ट्राई कर लो पहले, वीडियो को रोक के, ओके, नहीं तो मैं समझा रहा हूं आराम से बनाओ। देख बॉस, HCl पानी में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में आएगा। पहले इसका मोल निकालो HCl का, HCl का मोल कितना आएगा, M1D1 से मोल निकालो उसका, 3 × 1.5 कितना आया, 4.5 आया। यार इसका ध्यान दो, ये जीरो से वन से वन बन रहा है तो 4.5 से कितना बन गया, 4.5 मोल आ गया यहां से H प्लस, H प्लस का मोल आ गया ना मेरा। नेक्स्ट HBr का मोल देख लो, HBr का मोल कितना है, HBr से H प्लस और Br माइनस मिल रहा है बॉस, तो मोल ऑफ HBr m इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ओके, तो 1 × 2 है और 0.5 कितना मिल गया बच्चा, 1 मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ध्यान दो ये 1, अब यार ये 1 मिल गया, अब यहां से 1 से 1 बन रहा है तो ये 1 से 1 बनेगा, तो ये 1 यहां पे 1 मोल, यहां पे 4.5, तो टोटल H प्लस का मोल कितना आ गया, 4.5 प्लस 1 कितना गया बच्चा, 5.5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मोलैरिटी इक्वल टू एन एच प्लस बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या हो गया, 4.5 बाय वॉल्यूम इन लीटर, दोनों को जोड़ दो, दो आंसर आ गया 2.75, कोई दिक्कत नहीं ना। चल साहब नेक्स्ट जो सबसे अच्छा टाइप का सवाल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तुमको NaCl दिया और तुम्हें मैग्नीशियम और बेरियम क्लोराइड दे दिया, ठीक है ना, ये तुम्हें दिया है 2m और 500 ml दिया हुआ है, ये तुम्हें दिया हुआ है 3m 1500 ml दिया हुआ है। अब ये यार मिक्स कर दिया, पूछा है मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस क्या होगा, सिंपल सवाल है यार। देखो ये दोनों स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि ये साल्ट है किसका, स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस का, इसलिए 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ओके। तो पानी में हमें, अब ध्यान दो, इस टाइप का सवाल बनाने के लिए पहले मोल निकालो NaCl का, फिर इसका मोल निकालो, तो मोल ऑफ NaCl क्या है बॉस, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, कितना मोल है, 2 मोल है, वॉल्यूम कितना, 0.5, 1 आ गया। अब NaCl डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, 1 से 1 तो ये भी 1, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, ये भी 1 हो गया, यहां से हमें Cl माइनस का 1 मोल मिल गया, उसमें मोल ऑफ BaCl2 निकाल लो, मोल ऑफ BaCl2 क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलैरिटी कितना है, 3, वॉल्यूम 1.5, अरे 1500 है ना, तो 4.5 लीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मोल आ गया ठीक है। तो BaCl2 डिसोसिएट होगा Ba प्लस 2Cl माइनस, जब 1 से 1 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, तो 1 से 1 1 तो 4.5 से सॉरी 1 से 1 1 से 2 1 से 1 1 से 2 4.5 से 4.5 बट ये क्या हो जाएगा 9, जस्ट डबल हो जाएगा। तो मोल ऑफ Cl माइनस कितना मिल गया, यहां से 9 और यहां से 1, तो मोल ऑफ Cl माइनस, मोल ऑफ Cl माइनस नेट कितना मिला, 1 प्लस 9 9 कितना हो गया, 10 मोल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मोलैरिटी क्या आ गया, मोलैरिटी ऑफ सीएल माइनस इक्वल टू मोल ऑफ सीएल माइनस बाय वॉल्यूम इन लीटर, 10 बाय टोटल वॉल्यूम कितना मिल रहा है, टोटल वॉल्यूम आपका हो गया 2, आंसर आ गया आपका 5 मोल पर लीटर। ओके एक बार और चेक करना है क्या, 4.59 आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जो आपको ट्राई करना होमवर्क में, 3m H2SO4 500 ml दिया हुआ है प्लस 2m HCl 1500 ml दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको मोलैरिटी बताना है, मोलैरिटी ऑफ H प्लस, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस, मोलैरिटी ऑफ SO4 2 माइनस। अगर सवाल नहीं बनता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए 72 50 83 41 32। ओके ध्यान दीजिए, चलिए छापिए।